Hello everybody, I hope you guys are doing absolutely fine. So this is our second class of cell signaling, जहाँ पर हम आज receptors के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है? तो last class में हमने देखा था receptors दो type के होते हैं, isn't it? Receptors आपके दो types के होंगे. First one is your cell surface receptor. Right, and second one is your intracellular receptor, ठीक है? And जो आपके ये receptors हैं, देखिए जितने भी आप सुनते हो ना protein, देखिए जितने भी आप सुनते हो ना enzyme से लेकर right transcriptional factor और जितने भी है hormone, ये सभी क्या असल में proteins ही तो है. कई सारे आपके enzymes RNAs directly भी बनाते हैं, पर वो एक्सेप्शन है, ठीक है ना? तो बोलने का मतलब आपकी जो रिसेप्टर्स है ये भी प्रोटीन ही होंगे, ठीक है? इट कुड बी योर प्रोटीन और ग्लाइकोप्रोटीन. ग्लाइकोप्रोटीन मतलब प्रोटीन पर ही आपके शुगर मॉलिक्यूल अगर अटैच हो जाएंगे तो फिर हम उसको बोलते हैं ग्लाइकोप्रोटीन, ठीक है ना? तो रिसेप्टर्स आपके दो टाइप के होंगे, सेल सरफेस रिसेप्टर्स एंड इंट्रासेलुलर रिसेप्टर्स. इंट्रासेलुलर रिसेप्टर्स की अगर हम बात करें, ये भी दो टाइप के होंगे, राइट? या तो ये साइटोप्लाज्म में हो सकता है या तो ये न्यूक्लियस में हो सकता है. अगर साइटोप्लाज्म की बात करें तो स्टेरॉयड हार्मोन के रिसेप्टर्स, एंड अगर हम न्यूक्लियस की बात करें तो यहाँ पर आता है आपके थायराइड हार्मोन के रिसेप्टर्स, रेटिनोइक एसिड के रिसेप्टर्स, ठीक है? तो आज हम मेनली फोकस करेंगे इंट्रासेलुलर रिसेप्टर्स. सो देखिए इंट्रासेलुलर रिसेप्टर्स, ठीक है, ये आपके सेल्स के अंदर होंगे, राइट? ये आपके, अगर ये सेल है तो ये क्या है, सेल का प्लाज्मा मेम्ब्रेन. तो इंट्रासेलुलर रिसेप्टर्स आपके सेल के अंदर होंगे, या तो साइटोप्लाज्म में या तो न्यूक्लियस में, ठीक है? अब इनके सिग्नल मॉलिक्यूल्स क्या होंगे, मेनली स्टेरॉइड हार्मोन्स एंड योर थायराइड हार्मोन. रेटिनिक एसिड भी होते हैं, रेटिनिक एसिड, चलो इसको भी लिख लेते हैं. देखिए आपके जितने भी इंट्रासेलुलर रिसेप्टर्स है, ठीक है, ये सभी बिलोंग करते हैं न्यूक्लियर रिसेप्टर फैमिली से, ठीक है? जितने भी आपके इंट्रासेलुलर रिसेप्टर्स है, चाहे वो आपके साइटोप्लाज्म में हो, या तो चाहे आपकी वो न्यूक्लियस में हो, या तो चाहे वो आपके बड़े सारे आपके ऑर्गेनल्स में भी हो, क्योंकि ऑर्गेनल्स में भी हो सकता है पर उसको हम नहीं देख रहे अभी, ठीक है? ये सभी न्यूक्लियर रिसेप्टर्स फैमिली से बिलोंग करेंगे. अब देखिए हमने इन सभी को न्यूक्लियर रिसेप्टर फैमिली में डाल दिया है, तो कहीं ना कहीं सिमिलैरिटी तो होगा ही, राइट? तो इनकी सिमिलैरिटी कहाँ पर होंगे, स्ट्रक्चर इनके होंगे, सिमिलैरिटी स्ट्रक्चर्स में. तो जितने भी आपके इंट्रासेलुलर रिसेप्टर्स है सभी के स्ट्रक्चर लगभग, तो जितने भी आपके इंट्रासेलुलर रिसेप्टर्स है सभी के रिसेप्टर्स के स्ट्रक्चर्स लगभग एक सा ही होगा, ठीक है? तो इसीलिए इन सभी रिसेप्टर्स को एक ही फैमिली में अकोमोडेट किया हुआ है. एंड अभी तक बहुत सारे न्यूक्लियर रिसेप्टर्स आइडेंटिफाइड हो चुके हैं, ठीक है? बोलने का मतलब ये है कि देर आर सो मेनी काइंड ऑफ न्यूक्लियर रिसेप्टर्स, क्योंकि हमें पता है, राइट, न्यूक्लियर रिसेप्टर्स में एक स्ट्रक्चर है. अगर उस स्ट्रक्चर के साथ सिमिलैरिटी हो रहा है कोई एक रिसेप्टर तो हम उसको न्यूक्लियर रिसेप्टर्स बोल रहे थे, राइट? हालांकि आपकी ना ये जो रिसेप्टर्स तो आइडेंटिफाइड हो चुके हैं, राइट, किस बेसिस पर, बहुत सारे आपकी सिमिलैरिटीज, राइट, स्ट्रक्चरल सिमिलैरिटीज के बेसिस पर इनके लाइगेंस अभी तक पता नहीं चले, ठीक है? लाइगेंस सिग्नल मॉलिक्यूल्स, इनके सिग्नल मॉलिक्यूल्स अभी तक आइडेंटिफाइड नहीं हुए, ठीक है? तो इन सभी को रिसेप्टर्स को ना हमने क्या नाम दिया है, ऑर्फन रिसेप्टर्स, ठीक है? ऑर्फन रिसेप्टर्स बोलते हैं इनको. देखिए आपके ऑर्फन रिसेप्टर्स न्यूक्लियर रिसेप्टर्स ही है, राइट, पर इनके अभी तक सिग्नल मॉलिक्यूल्स या तो हम बोले लाइगेंड अभी तक आइडेंटिफाइड नहीं हुए हैं, ठीक है? तो देखिए यहां तक हमने बहुत वर्ड यूज कर लिया, राइट, स्ट्रक्चर स्ट्रक्चर स्ट्रक्चर. तो भाई ये स्ट्रक्चर क्या है, इसको देख लेते हैं.
देखिए जो आपके न्यूक्लियर रिसेप्टर्स है इन सभी में लगभग एक सा ही आपके स्ट्रक्चर होंगे, राइट, जैसे कि हम बोल चुके हैं। तो अगर हम इनके स्ट्रक्चर की बात करें तो इनमें होता है कुछ रीजंस, जैसे मैंने यहाँ पर बना लिया। अब देखिए क्योंकि रिसेप्टर क्या है, एक प्रोटीन है, राइट, तो ऑब्वियसली इसके टर्मिनल तो होंगे ही, इजन इट। इसको थोड़ा बड़ा बना लेता हूँ मैं, राइट। तो एक में होता है एन टर्मिनल और दूसरे में होता है सी टर्मिनल, राइट। एंड यहाँ पर होंगे आपके कुछ एक रीजन जिसको हम बोलते हैं डी बी डी, डी बी डी मतलब डीएनए बाइंडिंग डोमेन, डीएनए बाइंडिंग डोमेन। अब ये डोमेन जाकर आपके डीएनए के साथ बाइंड हो सकता है, ठीक है, डीएनए बाइंडिंग डोमेन। अब ये आपके डीएनए बाइंडिंग डोमेन है, ये सी टर्मिनल एन के साथ एक रीजन वाया जुड़ता है, उसको हम बोलते हैं हिंज रीजन, हिंज रीजन, उनको हम बोलते हैं हिंज रीजन। ओके, तो आपके जो एन टर्मिनल एंड है इस पर एक और सब यूनिट होता है, या तो हम बोल सकते हैं रीजन रीजन होता है, उसको हम बोलते ए एफ वन। एंड उसी प्रकार से सी में भी होंगे जिसको हम बोलेंगे ए एफ टू, ठीक है। एंड जो आपके डीएनए बाइंडिंग डोमेन में, इनमें होते दो जिंक मोटिव, ठीक है, दो जिंक मोटिव होंगे डीएनए बाइंडिंग डोमेन में। अब यहाँ पर एक और चीज़ मैं आप लोगों को क्लियर कर देता हूँ, अभी आप लोगों को समझ में नहीं आ रहा होगा ए एफ वन क्या है, राइट। यार सी तो मिट गया, कोई नहीं यार, बना लेंगे फिर से। देखिए जो आपके न्यूक्लियर रिसेप्टर्स है, राइट, फिर से आते हैं हम न्यूक्लियर रिसेप्टर्स पर, ठीक है, न्यूक्लियर रिसेप्टर्स पर एक दो पॉइंट्स क्लियर कर लेंगे, उसके बाद हम देखेंगे इस स्ट्रक्चर को। न्यूक्लियर रिसेप्टर्स एक क्या है, ट्रांसक्रिप्शनल फैक्टर है, ट्रांसक्रिप्शनल फैक्टर। जब हम मॉलिकुलर बायो पढ़ेंगे वहाँ पर हम पढ़ेंगे माई ट्रांसक्रिप्शनल फैक्टर क्या होता है। कोई भी एक ट्रांसक्रिप्शन को, मतलब एमआरएनए को बनाने के लिए एक ट्रांसक्रिप्शनल फैक्टर का आना जरूरी है, राइट। तो जो आपकी न्यूक्लियर रिसेप्टर्स है ये एक्ट करता है ट्रांसक्रिप्शनल फैक्टर की तरह, ठीक है ना। अब आपके जो ये न्यूक्लियर रिसेप्टर्स है ना, ये भी तीन फॉर्म में काम कर सकता है, मोनोमर, मोनोमर, या तो हम बोले एक ही, ठीक है, जिसको हम बोलेंगे अभी डाइमर। पर ये डाइमर भी दो तरह के हो सकता है, या तो एक ही टाइप के मॉलिक्यूल्स जोड़कर जिसको हम बोलेंगे होमोडाइमर, या तो दो अलग अलग आपके रिसेप्टर्स मॉलिक्यूल्स, मतलब यहाँ पर क्या है रिसेप्टर्स, ठीक है, जिसको हम बोलेंगे हेटेरो डाइमर, ठीक है। अगर आप होमोडाइमर की बात करें तो एग्जांपल आप स्टेरॉय टो जिनिक फैक्टर वन ले सकते हो, ये क्या करता है आपके मतलब सेक्स डिटर्मिनेशन में हेल्प करता है, राइट, सेक्स डिटर्मिनेशन में हेल्प करता है। एंड जो आपके ये होमोडाइमर है, आप स्टेरॉयड हार्मोन, स्टेरॉयड हार्मोन। एंड जो आपके हेटरोडाइमर है, ये मेनली आपके थायराइड, थायराइड, या तो आप रेटिनोइक एसिड ले लो, ठीक है। चलिए यहाँ तक एक क्विक रिविजन कर लेते हैं। आपके रिसेप्टर्स दो टाइप के होंगे, इंट्रासेलुलर रिसेप्टर्स एंड सेल सर्फेस रिसेप्टर। और आज हम बात कर रहे हैं इंट्रासेलुलर रिसेप्टर्स के बारे में। इंट्रासेलुलर रिसेप्टर्स चाहे आपके साइटोप्लाज्म में हो चाहे आपके न्यूक्लियस में हो, वो सभी एक ही फैमिली से बिलोंग करेंगे, और वो कौन से फैमिली है, न्यूक्लियर रिसेप्टर फैमिली, राइट। अब हमने ये भी देखा था बड़े सारे आपके न्यूक्लियर रिसेप्टर फैमिली अभी तक आइडेंटिफाइड हो चुके हैं, पर उनमें से कई सारों के आपके लाइगेंड पता अभी तक नहीं चला है, राइट। तो उनको हमने क्या बोला था, ऑर्फन
रिसेप्टर्स, राइट? ऑर्फन रिसेप्टर्स भी आपके टाइप ऑफ न्यूक्लियर रिसेप्टर्स ही है। एंड इसके बाद हमने ये देखा जो आपके न्यूक्लियर रिसेप्टर्स है, इट एक्ट एज अ ट्रांसक्रिप्शनल फैक्टर, राइट? एंड ये भी तीन प्रकार से काम कर सकता है, या तो वो अकेले, मतलब या तो एक अकेले लाइगेन एंड आपके रिसेप्टर, या तो वो दो रिसेप्टर्स, राइट? एक ही मॉलिक्यूल के दो रिसेप्टर्स, मतलब जैसे मान लीजिए दिस इज योर स्टेरॉइड हार्मोन के रिसेप्टर, राइट? जब आपके स्टेरॉइड हार्मोन यहाँ पर आएंगे दो, और जब यहाँ पर डाइमर होगा, राइट, डाइमराइजेशन फॉर्म होगा, तब जाकर ये इफेक्ट ला सकता है। या तो दो अलग अलग रिसेप्टर, राइट, एक ये रिसेप्टर एंड एक ये रिसेप्टर, इस तरीके में भी काम कर सकता है। इसका एग्जांपल हमने थायराइड हार्मोन रिसेप्टर देखा, राइट, रेटिनोइक एसिड रिसेप्टर देखा, और होमोडाइमर मतलब ये वाला क्या है, स्टेरॉइड, राइट, स्टेरॉइड हॉर्मोन्स के केस में, ठीक है। आई होप यहाँ तक आप सभी लोगों को क्लियर होगा। एंड लास्टली ये है कि आपके जो न्यूक्लियर रिसेप्टर्स है ये क्या है, ट्रांसक्रिप्शनल फैक्टर है, राइट? तो इनको अब एक्शन दिखाने के लिए बड़े सारे को एक्टिवेटर्स के जो न्यूक्लियर रिसेप्टर है ये अकेले काम नहीं कर पाता है। जस्ट बिकॉज इसके पास अब लाइगेन आ गया, ये अब ऐसे खुद जाकर काम नहीं कर सकता, इसको भी बड़े सारे आपके को एक्टिवेटर्स चाहिए, ठीक है। तो हमने देखा जो आपके स्ट्रक्चर है, आपके रिसेप्टर के स्ट्रक्चर, इनमें आपके एंड टर्मिनल होंगे, राइट, एंड टर्मिनल एंड, और सी टर्मिनल एंड, राइट, सी टर्मिनल डोमेन भी बोल सकते हैं, एंड टर्मिनल डोमेन भी बोल सकते हैं। एंड टर्मिनल डोमेन में आपके AF एक सीक्वेंस होंगे, एक डोमेन होंगे, राइट? तो ये क्या करता है, अब इसको यहाँ पर आपके को एक्टिवेटर्स क्या कर देता है, इनको रिकॉग्नाइज कर सकता है। को एक्टिवेटर्स कैन रिकॉग्नाइज AF रीजन ऑफ एंड डोमेन। एंड ये है कि जो ये रिकॉग्नाइज करते ना आपके को फैक्टर AF1 को, ये लाइगेन बाइंडिंग इंडिपेंडेंट, चाहे लाइगेन बाइंड हुआ हो या नहीं हुआ हो, ठीक है, पर ये आपके रिकॉग्नाइज कर सकता है, ठीक है। को एक्टिवेटर्स आपके रिकॉग्नाइज कर सकते हैं AF रीजन को, जो कि आपके एंड डोमेन में होंगे। एंड जो आपके सी टर्मिनल में है, सी डोमेन में, यहाँ पर भी AF है, पर यहाँ पर कौन से AF है, 2AF। देखिए AF का फुल फॉर्म है एक्टिवेशन फंक्शन, ठीक है। आपके AF2 रीजन है जो आपके सी टर्मिनल में है, ये हेल्प करते हैं आपके बड़े सारे को फैक्टर्स के रिक्रूटमेंट में, ठीक है। तो को एक्टिवेटर्स को रिक्रूट करने के लिए ये इस सीक्वेंस का होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। को एक्टिवेटर्स रिक्रूट करने के लिए बहुत ज़रूरी है आपके AF2, ठीक है। एंड जो आपके सी टर्मिनल है, दैट इज सी डोमेन, इसका फंक्शन क्या है, इसका मेन फंक्शन है ये किस में हेल्प करता है, लाइगेंड की बाइंडिंग में, लाइगेंड बाइंडिंग डोमेन भी बोल सकते हैं, ठीक है। इसको हम शॉर्ट फॉर्म में LBD भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो देखिए दिस इज योर एंड डोमेन, यहाँ पर क्या होता है आपका, यहाँ पर बना देते हैं हम AF1, राइट, एंड इसको हम A/B रीजन भी बोलते हैं। इसके बाद यहाँ पर DNA बाइंडिंग डोमेन होंगे, राइट, DNA बाइंडिंग डोमेन आपके मतलब इनमें दो जिंक मोटिव भी होते हैं, राइट, और DNA बाइंडिंग डोमेन सी डोमेन के साथ एक रीजन से होते हुए जुड़ता है, उसको हम बोलते हैं हिंज रीजन बोलते हैं, राइट। एंड दिस इज योर सी डोमेन, और हमने यहाँ पर देखा एक तो होता है AF2 रीजन, राइट, AF2 रीजन, और हमने अभी भी देखा कि यहाँ पर आके लाइगेंड बाइंड हो सकता है, राइट, तो इसीलिए हम इसको लाइगेंड बाइंडिंग डोमेन भी बोलते हैं। That is your L, ligand binding domain, LBD. And this LBD region is responsible for dimerization also. ठीक है, क्योंकि हमने देखा अभी भी जो आपके न्यूक्लियर रिसेप्टर है ये मोनोमर फॉर्म में भी काम कर सकता है और डाइमर फॉर्म में भी कर सकता है, डाइमर फॉर्म में भी, हेटेरोडाइमर और होमोडाइमर फॉर्म में। तो डाइमर मतलब कौन से रीजन करवाता है रिस्पॉन्सिबल,
दैट इज योर एलबीडी। एलबीडी आपके लाइगेंड के साथ तो बाइंड करेगा ही करेगा, राइट। उसके अलावा ये डाइमराइजेशन में भी हेल्प करता है, ठीक है। एंड जो आपकी ये जिंक डोमेन है, ये जिंक डोमेन, एक डोमेन आपके चार सिस्टीन के साथ बाइंड होकर रखता है, ठीक है। अगर हम यहाँ पर एक और नाम दे तो जो आपकी एन डोमेन है, ठीक है, इसको हम बोलते हैं ए बी रीजन। एंड जो आपके डी मतलब डीएनए बाइंडिंग रीजन है, इसको हम बोलते हैं सी रीजन, ठीक है। एंड जो आपकी हिंज रीजन है, इसको हम बोलते हैं डी रीजन। एंड जो आपके डीएनए बाइंडिंग रीजन है सी डोमेन, इसको हम बोलते हैं ई रीजन, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा आज का लेक्चर न्यूक्लियर रिसेप्टर्स के बारे में, एक जनरल सा व्यू था। इसके स्ट्रक्चर्स के भी बारे में आपको अभी थोड़े बहुत मतलब आइडिया हो गया होगा। तो कोई नहीं, आने वाले वीडियो में हम और अच्छे से करेंगे। आने वाले वीडियो में हम स्टेरॉइड हार्मोन एंड थायराइड हार्मोन के मतलब उसके रिसेप्टर्स के बारे में भी देखेंगे, ठीक है। तो तब तक के लिए पढ़ते रहिए, स्टे सेफ।